हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूजा कपूर और आज हम बात करते हैं कि क्या ऐसे ऑटिज्म के कारण हैं जो कि जो है वो दवाइयों से ठीक हो सकते हैं, मतलब कि मेडिसिन से क्या ऑटिज्म ठीक हो सकता है। सो, उसका दूसरा नाम ये हो सकता है कि जो है ट्रीटेबल कॉजेज ऑफ ऑटिज्म। सो, ये टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने वो वाले बच्चे देखे जो कि जो है दूर दराज एरिया से आए थे और जो है उनको ऑटिज्म करके ट्रीट किया जा रहा था, बट वो ट्रीटेबल कॉजेज थे, मतलब कि जो है वो अगर हम दवाइयां दें उनको तो वो जो है थेरेपी से बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो पहला कारण है वो है LKS, दैट मीन्स लेनॉक्स गैस्टॉट सिंड्रोम, तो लैंडो क्लेफनर सिंड्रोम। सो, इसमें होता क्या है, बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक रहता है कुछ समय भर के लिए, मतलब कि जो है 3 साल, 3.5 साल वो बच्चा पॉइंटिंग करने लगता है, नजर में नजर मिलाता है और जो है कमांड फॉलोइंग करता है। आप कह नहीं पाएंगे कि इस बच्चे में जो है कोई डिफरेंशिएशन है नॉर्मल बच्चे से। और सडनली धीरे धीरे करके जैसे जैसे उम्र बीतती है वो धीरे धीरे करके अपने माइलस्टोन्स सोशल और कम्युनिकेशन वाले वो अपने खोना शुरू कर देता है, मतलब उसका चलना और जो है बैठना नहीं जो है वो प्रॉब्लम में होगा, बट प्रॉब्लम में होगा आपका खाली सोशल और कम्युनिकेशन, जो कि टिपिकल ऑटिज्म वाले बच्चों की निशानी होता है। जैसे कि वो आई कॉन्टैक्ट कम कर देगा, वो जो है पॉइंटिंग कम कर देगा, वो बोलना कम कर देगा, वो नाम रिस्पॉन्स कम कर देगा, बट चलना फिरना जो है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो LKS मतलब कि जो है लैंडाउ क्लेफनर सिंड्रोम। तो अपने पास जो है अभी ही पिछले हफ्ते ही इलाहाबाद से आए थे, तो वो 6 साल के हैं, बट जो है वो बिल्कुल ठीक थे 3.5 साल तक, और जो है उसके बाद 2.5 साल से 3.5 साल के बीच में मदर ने देखा कि कुछ 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 कमी हो रही है। और जब हमने देखा तो पिछले 2 साल की थेरेपी के बाद भी अच्छी थेरेपी हो रही थी, मदर बहुत समझदार थी, उनको समझ रहा था ये सेंसरी कंसर्न्स है, ये बिहेवियर है, इसको ऐसे ठीक करना है, बट फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा था जैसा हमें चाहिए था। और जो है वो वहां पर ही उनको किसी ने बोला आप EEG कराइए, तो जो है जब हमने EEG कराया तो उसमें देखा वो वाला पार्ट जहां से हमारा जो है बोलना और जो है जहां से हमारा सोशल कम्युनिकेशन आता है वर्बल वाला, वो जो है वहां पे जो है बहुत सारे डिस्चार्जेस थे और जिसकी वजह से जो है हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। सो जो है जो LKS या लैंडाउ क्लेफनर सिंड्रोम जो हमारा होता है उसमें जो है दिक्कत जो है होती है वो वाला पार्ट जहां से जो है हमारा कनेक्टिविटी आती है, वहां पे एपिलेप्टी फॉर्म डिस्चार्जेस आ जाते हैं जो कि हमारे EEG में दिखते हैं। और EEG क्या होता है, जैसे हम हार्ट का ECG करते हैं वैसे ब्रेन का जो है वो EEG होता है, जिसमें हम तार लगा के देखते हैं कि हमारी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है। और जब जो है हमें ये डिस्चार्जेस दिखते हैं तो जो है थेरेपी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाती है जितना अगर हमें जो दवाइयां देनी होती हैं ओरल मेडिकेशन जो कि दौरे की होती हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो है बच्चों को कई बार ऐसे में दौरा आता ही नहीं है, या आता है तो बहुत मुश्किल सा एक आध दौरा आता है जो कि जो है वो पेरेंट्स इग्नोर भी कर देते हैं, नहीं समझ में आता है। सो प्लीज मेक श्योर कि अगर हमारा बच्चा ऐसा है जिसके अंदर रिग्रेशन हुआ है, अब यहाँ पे एक कैवियट ये है कि जो है हमारे बहुत सारे नॉर्मल बच्चे जो ऑटिज्म वाले हैं, इडियोपैथिक ऑटिज्म, मतलब नॉर्मल मतलब इडियोपैथिक ऑटिज्म, उनके अंदर 1/3 बच्चों में बगैर किसी कारण के भी रिग्रेशन आता है, मतलब उनका EEG में करवाऊं तो बिल्कुल नॉर्मल आता है, बट 1/3 ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर जो है बगैर किसी कारण के बगैर EEG चेंजेस के भी रिग्रेशन आता है। तो अब हमें डिफरेंशिएट करना होता है कि मेरे बच्चे का रिग्रेशन क्या इडियोपैथिक ऑटिज्म की वजह से आया,
या फिर मेरे बच्चे को जो है वो LKS तो नहीं था, मतलब लैंडो क्लेफनर सिंड्रोम तो नहीं था। तो इसलिए जो है हमें पता करना जरूरी है अगर मेरे बच्चे में रिग्रेशन आया है या उसको दौरे की परेशानी है, तो प्लीज प्लीज एक EEG करवाइए और जो है LKS रूल आउट जरूर करवाइए। दूसरा कारण वो इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये वाला भी मैंने इसी हफ्ते देखा। तो इसके अंदर क्या होता है कि उसको दूसरा नाम है क्रिएटिन डेफिशिएंसी, तो सेरिब्रल क्रिएटिन डेफिशिएंसी। तो जो है इसमें क्या होता है, क्रिएटिन CRETINE एक तरह का जो है वो केमिकल होता है जो हमारे ब्रेन में जो है वो होता है, और उसकी वजह से जो है हमारे सोशल और कम्युनिकेशन माइलस्टोन्स, हमारी बुद्धि और सीजर, ये तीनों चीजें जो है वो मेंटेन रहती हैं। तो वो बच्चे जिनको जो है ऑटिज्म लाइक फीचर्स हैं, दूसरा उनको कभी हो सकता है कि दौरा आए और हो सकता है कि दौरा ना आए, बट मेन फीचर जो होता है वो ऑटिज्म लाइक फीचर होता है, और उनके अंदर बुद्धि का भी थोड़ा हेर फेर हो सकता है। अब क्योंकि ऑटिज्म के फीचर्स अगर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं तो कई बार हम जो है वो बुद्धि को चेक ही नहीं कर पाते हैं कि वो कितना बुद्धिमान होगा, इतना सेंसरी कंसर्न्स है, और कई बार इन बच्चों को साथ में दौरे भी आते हैं, तो बड़ा ओवरलैप से पिक्चर होती है। बट मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि ऑटिज्म लाइक फीचर्स हैं। अगर ऑटिज्म लाइक फीचर्स हैं प्लस साथ में दौरा जैसा भी आया है, प्लस साथ में थोड़ा सा कॉग्निटिव कंसर्न्स भी हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि दौरा आए, अगेन क्योंकि मैंने जो केस देखा उसके अंदर जो है वो सेरेब्रल क्रिएटिन डेफिशिएंसी का केस था। इसमें जो है जो पहला बड़ा भाई था वो तो उसको दौरे भी थे, बहुत सिवियर ऑटिज्म था, और बट जब उसकी छोटी बहन आई मेरे पास तो जो है हमने देखा कि जो है उसको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, उसको दौरा नहीं था बट पढ़ाई में और थोड़ा सोशल कनेक्ट में, उसको ऑटिज्म के भी पूरे फीचर्स नहीं थे। तब क्योंकि दो भाई बहन में एक ही परिवार के में था, इसीलिए हमने उसकी जो है MRS कराया। MRS तो क्रिएटिन सेरेब्रल क्रिएटिन डेफिशिएंसी को देखने के लिए जो टेस्ट होता है वो MRI के जैसा होता है, जिसको हम MRS बोलते हैं, MRS ऑफ द ब्रेन। और वो जो है टेस्ट होने के बाद हम एक जेनेटिक की जांच कराते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे ब्रेन में क्रिएटिन की डेफिशिएंसी है, और जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमें ऑटिज्म लाइक फीचर्स, सोशल कम्युनिकेशन टाइप फीचर्स, हमारा जो है बुद्धि और हमारा दौरे का संभावना हो सकती है। और क्योंकि ये ट्रीटेबल कॉज है, हमें क्रिएटिन मार्केट में मिलता है, जो हमारे बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो क्रिएटिन लेते हैं, बट यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी देनी होती है। क्यों? क्योंकि जो है वो मुझे ब्रेन तक पहुंचानी है और ब्रेन में क्रिएटिन का लेवल बढ़ाना है ताकि जो है हम जो है फंक्शनिंग हमारी हो पाए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो क्रिएटिन का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं कर पा रही है, उसको ठीक से जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बाय प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है बिकॉज हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स की कमी है। ये एक जेनेटिक डिजीज है, मतलब फैमिली से आ सकती है। तो अगर फैमिली में रिश्तेदारी में शादी हुई है और साथ में कहीं कोई फैमिली हिस्ट्री है तो ये सारी चीजें हमें क्लू देती है। तो जब जो है उसी की दूसरी बहन को ऐसा हुआ तो हमने फैमिली हिस्ट्री पूछी, क्योंकि जो है पहले वाले बच्चे को तो बस खाली ऑटिज्म करके और सीजर करके ट्रीट किया जा रहा था, बट जब छोटी आई तो फिर हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया और जो है पाया कि वो क्रिएटिन डेफिशिएंसी थी उसके अंदर, उसके ब्रेन में। MRS जो होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी करके जो टेस्ट होता है उससे हमें पता चलता है कि जो है उसके अंदर जो है जो क्रिएटिन है उसकी पीक नहीं दिख रही है, और जेनेटिक से वो प्रूव हो जाता है कि हाँ मुझे क्रिएटिन डेफिशिएंसी है और इसका इलाज जो है वो मेडिसिन से है। सो कहने का मतलब ये है कि जो है ये दोनों ट्रीटेबल कॉजेज हैं हमारे। तो कई बार जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है हम बस खाली थेरेपी की तरफ ही जोर देते रहें और हम जो है जो अगर ट्रीटेबल कॉजेज हैं वो मिस कर जाएं। सो मेक श्योर कि अगर हमारी फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री है, अगर हमारी फैमिली में सीजर्स आ रहे हैं
सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भाई बहन और भी आगे पीछे किसी को है, कोई जो है शादी रिश्तेदारी में हो रही है, तो प्लीज मेक श्योर कि हम ये जरूर रूल आउट करें, क्योंकि ये है तो रेयर डिजीज, बट क्योंकि जो है अब हम हमारे पास जो है खाली ऑटिज्म ही छन छन के आ रहा है, तो उस रेयरिटी में भी अब हमें ये केसेस दिख रहे हैं जो कि जो है जैसे ये वाला केस इलाहाबाद से आया और दूसरा वाला केस इराक से आया, तो जो है बच्चे आ रहे हैं और अगर जो है हमने उनको ट्रीट करने में दो बच्चों की लाइफ अगर बच रही है तो आई थिंक वी हैव अचीव्ड अ लॉट, बिकॉज उनकी लाइफ बेटर हो सकती है अगर हम इसके ट्रीटमेंट जो कि मेडिसिन से है वो ठीक करें। तो जो पहली बीमारी है जिसको हम LKS बोलते हैं, लैंडो कैफनर सिंड्रोम बोलते हैं, उसके अंदर जो है मेडिसिन जो है वो दौरे की दवाइयां दी जाती हैं, उसके अगर उससे नहीं आराम आता है तो हम स्टीरोइड देते हैं, उससे भी नहीं आराम आता है तो एक बहुत महंगी दवाई आती है उसको हम IVIG बोलते हैं, वो देते हैं। सिमिलरली जो ये वाली डिजीज है सेंट्रल क्रिएटिन डेफिशिएंसी जो है, हमारी सेंट्रल सेरेब्रल क्रिएटिन डेफिशिएंसी जो है, इसके अंदर जो है हमारा दिक्कत क्या होती है, क्रिएटिन की डेफिशिएंसी, तो हम ऊपर से ओरली जो है कैलकुलेट करके पर बॉडी वेट जो है जब क्रिएटिन देते हैं तो बच्चे बेहतर होते हैं। सो ये दोनों मेरे हो गए ट्रीटेबल कॉजेस जो कि जो है जिनकी दवाई इजिली अवेलेबल है, मिल सकती है और हम ट्रीट कर सकते हैं, और उससे जो है जो इफेक्ट आएगा आपका थेरेपीज का वो जो है बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज की कमी थी वो पूरी हो गई। अब आते हैं थर्ड कॉज पे और उसको हम बोलते हैं MPS। MPS का मतलब है म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस। तो ये एक तरह की किस्म की बीमारी है जिसके अंदर अगेन जो है फीचर्स जो है वो हमारे ऑटिज्म जैसे, हाइपर एक्टिविटी जैसे होंगे, और जो है इसके अंदर जो है घुली मिली सी पिक्चर होगी कि बच्चा पहले तो ठीक था, पहले एक साल डेढ़ साल, फिर जो है धीरे 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 करके जो है उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी बढ़ने लग गई, उसके अंदर ऑटिज्म के फीचर्स आने लग गए। तो MPS जो होता है वो कई तरह का होता है, Type 1, Type 2, Type 3, Type 4, और ये होता क्यों है, ये भी एक जेनेटिक बीमारी है जिसके अंदर जो है बच्चे के अंदर अगर कंसैंग्वस मैरिज है, मतलब रिश्तेदारी में शादी हुई है, या फैमिली हिस्ट्री में कहीं कोई है, या फिर जो है बच्चा जो है वो ना थोड़ा एक्स्ट्रा लंबा होता है जो है मतलब फैमिली से थोड़ा सा अलग सा दिखता है, थोड़ा सा डिसमॉर्फिज्म जिसको हम बोलते हैं वो होता है, मतलब उसकी शक्ल जो है वो मम्मी पापा पे नहीं थोड़ी सी अलग होती है। कई बार उनको ऑर्गेनोमिगैली मतलब कि जो है थोड़ा उनका लीवर बढ़ा हुआ, थोड़ा उनका स्प्लीन बढ़ा हुआ, ये सारी चीजें हो सकती हैं, प्लस जो है उनको भी दौरे आने की संभावना हो सकती है, बुद्धि का थोड़ा हेर फेर हो सकता है। तो हम जो है इस बीमारी को भी क्यों जो है बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है एक एंजाइम की कमी होती है जो कि हमारी बॉडी जेनेटिक कारण की वजह से नहीं बना पाती है, और जब नहीं बना पाती है तो जो है जो उसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो इधर उधर जमना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लीवर बढ़ता है, जिसकी वजह से स्प्लीन बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारी हाइपर एक्टिविटी आती है, जिसकी वजह से जो है हमारा ऑटिज्म लाइक फीचर्स आते हैं, और जब हम इस एंजाइम का रिप्लेसमेंट करते हैं तो जो है हम बेहतर होते जाते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जेनेटिक डिजीजेस हैं। अगर हमारा एक बच्चा ऐसा है और हम ये मान लें कि जो है अरे ये तो इडियोपैथिक होगा, मतलब हमें तो ऐसा ऐसा ही है, क्या पता जो है क्या कारण है, बट हो सकता है कि दूसरे बच्चे के होने की संभावना ऐसे ही वो 25% बढ़ जाती है कि दोबारा भी ऐसा बच्चा हो सकता है। तो इसलिए अगर हमें कहीं से भी कुछ भी शुभा है, कुछ भी हमें शक है, कुछ भी जो है हमें सस्पेशन है, तो प्लीज जो है अपने डॉक्टर से मिलिए और जो है कोशिश करिए कि अगर ये कारण है तो हम उनको रूल आउट कर लें, क्योंकि हम इस बच्चे को भी बचा सकते हैं क्योंकि हमें कारण पता चल गया, और प्लस जो है हम आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है, जो नेक्स्ट सिबलिंग होगा, उसमें फॉर श्योर करके बता सकते हैं कि जो है ये देखो ये इस वजह से बीमारी है, और हम जब मम्मी प्रेग्नेंट होगी और 2.5 मंथ प्रेगनेंसी होगी तो हम पानी निकालेंगे पेट से मम्मी के, उसको एमनियोसेंटेसिस करके चीज बोलते हैं। ये चीज आप 11 हफ्ते पे भी कर सकते हैं, बट उसको जो है वो कोरियोनिक विलफ सैंपलिंग CVS बोलते हैं।
तो उसमें से हम एक टुकड़ा निकालते हैं और टेस्ट करते हैं कि आगे आने वाली प्रेगनेंसी में भी तो ये वही बीमारी तो नहीं है जो कि जो है अभी इस बच्चे को है। तो अगर जो है वो फिर से होती है तो हमें अबॉर्शन कराना होता है, और अगर जो है वो नहीं है तो हमारा बच्चा सेफ है, हम आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं और जो है अच्छा बच्चा हो सकता है। तो इसीलिए जो है हमारे लिए ये सारे कारण जानना जरूरी था। तो प्लीज अगर इन तीनों में से कोई भी ये ट्रीटेबल कारण है ये हमें पता होने चाहिए, और अगर इसमें से कुछ है तो ये दवाइयों से बेहतर हो सकते हैं और थेरेपी से रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। और अगर हम खाली थेरेपी कराएंगे तो क्योंकि ये मिस हो जाएंगे और ये जो है बगैर प्लेन थेरेपी से नहीं ठीक होते हैं, तो इसलिए जस्ट गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर एंड आस्क अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो आज हम जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर राउंड पे। सो पहले हैं हमारे साधना सिंह। Hi Sadhna, good afternoon. My daughter is 2.5 years diagnosed with autism. Sensory issues are just 10% remaining. Very good. Wow, very good. I started OT 10 months back. So, फिर तो बच्ची बहुत ही छोटी होगी. No intellectual disability. Preschool started. Issues हैं हमारे. Social and behavioral problem. No speech. She understands command. Following भी आ गई है. Play herself. Can do daily task. Doctor suggested Rysnia 1 milligram at night for improving social behavior and communication. And देखिए Rysnia जो है वो हम social communication को improve करने के लिए तो नहीं कर सकते हैं better. Behavior को better करने के लिए ज़रूर कर सकते हैं. Sensory concerns को कम करने के लिए ज़रूर कर सकते हैं. थोड़ी सी अगर हाइपर एक्टिविटी है तो उसको भी बेहतर कर सकते हैं। तो आपने बोला सिर्फ 10% ही सेंसरी बच रहा है, तो बट है ही, चलो ठीक है 10% बच रहा है। दूसरा जो है आप बोल रहे हैं कि उसको बिहेवियर आने लग गया है, तो कई बार हमने देखा है कि जब बच्चे जो है स्मार्ट हो जाते हैं, उनको समझ में आने लग जाती है, तो वो बिहेवियर शो करते हैं। मेरे हिसाब से अगर रिसिनिया को छोड़ के अभी हम जो है खाली बिहेवियर थेरेपी पे जाए और जो है स्पीच में चले जाएं, स्कूल तो आपने स्टार्ट कर ही दिया हुआ है, तो आई थिंक वो बेटर होगा। और अगर देखिए हम रिसिनिया देंगे भी तो 1 milligram नहीं देंगे हम, अगर हमें स्टार्ट भी करना है तो जो है 0.5 milligram की भी आधी गोली देते हैं, तो 0.25 बेसिकली मिलीग्राम से स्टार्ट करी जाती है। बट अगर आपको रिलीफ आएगा तो वो आपको उसमें आएगा सेंसरी कंसर्न्स में, थोड़ा बहुत बिहेवियर में आ सकता है। तो पहले एक बार ट्राई करने से पहले रिसिनिया हम ऐसा करते हैं कि बिहेवियर थेरेपी में डाल देते हैं बच्चे को, ओटी कंटिन्यू रखिए, स्पीच क्योंकि आई नहीं है तो चाहे ओटी घर पे करा के स्पीच और बिहेवियर में डाल दें, देखते हैं महीना भर अगर नहीं आराम आता है तो फिर जो है आप रिसिनिया स्टार्ट करिएगा 0.25, वो भी 1/4 से, मतलब 1 milligram की 1/4 टैबलेट से स्टार्ट करिएगा। आप पहले से आप बता रहे हैं आप एल-कार्निशाइन डीएचए और क्यू कार्नी उसके ऊपर हैं, ठीक है। सो आई थिंक जो है लेट अस गो फॉर द थेरेप्यूटिक वेज एंड देन, बट आई एम रियली प्लीज्ड योर डॉटर वुड डेफिनेटली कम आउट। 2.5 साल पे जो है सिर्फ 10% जो है वो बचा है, आपने 10 महीने पहले से ही स्टार्ट कर दी थी, तो इसका मतलब तो जो है बहुत ही बढ़िया, मतलब आपने 1-1.5 साल के ऊपर पे ही स्टार्ट कर दी थी, वेरी गुड। So don't just put up her for behavior therapy first, okay? Next पे आते हैं हम शिवा, शिवा खंडेलवाल। So ma'am, my son is 4 year old. Everything is now improved. Going to school, no complaint. Very good, very good. Understanding everything, very good. He can communicate with other even on calls. But his shouting behavior is not improving. तो मम्मी ठीक है, कोई बात नहीं, खाली एक छोटा मोटा 4 साल का बच्चा जो है वो तो छोटा मोटा वैसे भी शाउट करता ही करता है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी थोड़ी जो शाउटिंग वाली है स्पोर्ट्स में डाल दीजिए आप, प्लीज जो है इसको थोड़ा स्पोर्ट्स में डाल दीजिए, स्ट्रक्चर्ड प्ले वाले स्पोर्ट्स में। अब आप बोलेंगे वो तो पार्क में जाता है 2 घंटे खेल कूद के आ जाता है, नहीं, तो या तो स्विमिंग में डाल दीजिए। तो क्या होता है, ये जितने भी स्विमिंग वाले जो कोचेस वगैरह होते हैं हमारे, ट्यूटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं भाई, एक स्ट्रक्चर्ड प्ले में डालते हैं बच्चे को,
उनको समझता है कि जो है देखो ये दो पर्पस सॉल्व करता है, एक तो इंस्ट्रक्शन लेना आ जाता है और दूसरी चीज ये होती है कि जो है इनको जो जो स्ट्रक्चर जो हमारा लेना आ रहा है प्लस जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो भी चैनलाइज हो जाती है। वेयर एज जब हम बच्चे जो है नीचे भेजते हैं पार्क में तो स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, खाली एक्स्ट्रा एनर्जी चैनलाइज होती है, बट उसको हम फ्री प्ले बोलते हैं। तो कई बार जो है जैसे जो एक्सरसाइज से थोड़े मोटे छोटे मोटे बिहेवियर्स जो होते हैं वो स्पोर्ट्स से बहुत अच्छे इम्प्रूव हो जाते हैं। तो एक बार स्पोर्ट्स ट्राई करिए शिवा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वीटी, स्वीटी कूल कैटी, स्वीटी कूल कैटी, हाँ ये कैसा नाम है भला। सो मैम माय सन इज 3 years 2 months, he was diagnosed with ASD when he was 2 years 4 months and attending speech and OT for past 11 months. Very good, very good. And though he is still non-verbal, he was showing some improvement. But he has sleep disturbance, doesn't sleep for 5 hours continuously. He sleeps at 12, wakes at 4, remains awake. Oh, Baba. Okay, okay. Due to which he is not able to go to school on time. So I think जो है आपको please जो है OT तो continue करवाना है। एक medicine आती है melatonin. So melatonin जो है ना वो initiation of sleep में help करती है। Just go to your doctor, ask for melatonin, क्योंकि अगर बच्चा 12 बजे सोएगा 4 बजे उठ जाएगा फिर से, फिर उसके बाद जो है वो कैसे manage कर पाएगा। तो so I would prefer to go and ask for melatonin. देखिए ऑनलाइन सोशल मीडिया पे दवाई नहीं लिखवानी चाहिए, जस्ट गो टू योर डॉक्टर, आस्क फॉर दैट एंड आई थिंक यू शुड बी वेरी वेल, मतलब आपका बच्चा बहुत बेहतर हो जाएगा जो है अगर हम इसकी स्लीप साइकिल्स जो है वो रेगुलराइज कर देंगे। देखिए स्लीप जो होती है ना, सोना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो इसलिए स्लीप के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेम स्लीप, एक होता है नॉन रेम स्लीप। रेम स्लीप का मतलब हुआ रैपिड आई मूवमेंट, हम सो रहे होते हैं और हमारी आंखें मूव कर रही होती हैं, हाथ पांव थोड़े हिलाते हैं, और उस पार्ट में स्लीप के जो होता है वो जो है हम जो भी हमने जो है पूरे दिन भर किया होता है उसको रिवाइज करते हैं। तो कई बार बच्चे बोलते भी हैं, बड़बड़ाते भी हैं, तो जो है और ये फेजेस चलते हैं, रेम स्लीप नॉन रेम स्लीप, रेम स्लीप नॉन रेम स्लीप, पूरी रात में ऐसे फेजेस चलते हैं हमारे। और जब नॉन रेम स्लीप आती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, उस समय जो है होता क्या है कि जो है जो भी हमने रिवाइज करा है वो और ज्यादा कंसोलिडेट हो जाता है और हमारे मेमोरी में जाके मतलब बस जाता है। बेसिकली जिसको बोलते हैं ना, रिवीजन के बाद जो है एक और रिवीजन हो गया, अब उस पर ठप्पा लग गया कि हाँ मैंने जो है जो जो हुआ एक दिन पहले वो कंसोलिडेट हो गया। तो इसीलिए जो है स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि जो भी आपने सीखा है दिन भर में वो रात में ही कंसोलिडेट होता है। तो हमारे बच्चे क्योंकि जो है नहीं सो पाते हैं ठीक से, ऑटिज्म में 70-80% ऑफ द चिल्ड्रन की स्लीप की प्रॉब्लम होती है। तो उसके अंदर दोनों प्रॉब्लम होती है, इनिशिएशन की भी और कंटिन्यूएशन की भी। तो मेलाटोनिन जो है ना वो इनिशिएशन में हेल्प करता है, तो वो अच्छे से सोना शुरू कर देते हैं और जब सो जाते हैं तो बच्चे को जो है रिलैक्स मिलता है, उसको दोनों तरफ ऑफ स्लीप आनी शुरू होती है और जो है अगला दिन भी अच्छा बीतता है। और साथ साथ में अगला दिन के साथ साथ जो है हमारा जो हमने एक दिन पहले जो करा है दिन भर में वो सारा अच्छे से रिवाइज होता है। तो इसलिए प्लीज जो है गो एंड आस्क फॉर फॉर मेलाटोनिन विद योर डॉक्टर। ओके, अब हम आते हैं धवल पे। सो माय सन इज 4.2 years old, डायग्नोस्ड एज ऑटिज्म ट्रेट, he is improving but still continuous running in free time with hand flapping movement with bruxism. OT is going, ABA is going, he couldn't mix with other kids and play alone. So again yahan par jo hai dekhiye aap bata rahe hain ki improve kar raha hai, agar free time mein wo running kar raha hai to kya wo sensory karan ki wajah se running kar raha hai ki wo thoda sa usko restlessness hai isliye running kar raha hai, ya fir jo hai wo उसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसको वो कंपनसेट करने के लिए रनिंग कर रहा है, तो ये कारण मुझे जानना जरूरी है। तो हैंड फ्लैपिंग भी और ब्रक्सिज्म भी, ये तो मुझे सेंसरी दिख रहा है क्योंकि ब्रक्सिज्म का जो है जो दांत की किटकिटाने को हम ब्रक्सिज्म बोलते हैं। तो एक चीज ये है कि पहले जो है ओरल कैविटी चेक कर लीजिए कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है, कहीं कोई दर्द तो नहीं है, टूथ एक तो नहीं है,
उसकी वजह से तो दांत नहीं किटकिटा रहा है, कहीं जो है उसको एंग्जाइटी तो नहीं है जिसकी वजह से वो हैंड फ्लैपिंग भी कर रहा है और दांत किटकिटा रहा है। अगर ये रूल आउट हो गए हैं कारण, तो फिर इसका मतलब वो सेंसरी कंसर्न है। और आपके जो ओटिस्ट है उनको बोलिए ओरोमोटर थेरेपी भी करें और थोड़ा हैवी फंक्शनिंग एक्सरसाइजेस कराएं ताकि वो हैंड फ्लैपिंग कम हो जाए। अगर फिर भी नहीं जाती है तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो वॉक्स होती हैं वो कराएं, बेयर वॉक, एनिमल वॉक्स जो होती हैं, प्लस जो है इनको भी स्पॉट्स में डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारी चीज करिए तो इनकी फ्री टाइम की रनिंग, हैंड फ्लैपिंग और ब्रक्सिज्म जो है वो हमारा बेहतर होगा। कहने का मतलब ये है, देखिए हमें सिम्टम को डिसेक्ट करना है क्योंकि एक ही सिम्टम के तीन कारण है। जैसे ब्रक्सिज्म का कारण जो है वो आपका ओरल ओरोमोटर सेंसरी कंसर्न भी हो सकता है, एंग्जाइटी भी हो सकती है, दांत में कीड़ा है, कोई लोकल पैथोलॉजी है, दर्द हो रहा है, वो भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है हर सिम्टम को डिसेक्ट करना पड़ेगा अपने को। अब जैसे हैंड फ्लैपिंग है तो हैंड फ्लैपिंग कई बार खुशी के समय है, जब जो है वो खुश हो रहा है तब कर रहा है, या फिर ऐसे ही खाली समय में कर रहा है, या फिर जो है जब जो है वो एंग्जाइटी है, कहीं नई जगह गया, फंक्शन में गया, जहां भीड़ हुई वहां कर रहा है। तो हर तरह की डिसेक्शन अलग अलग होगा। अगर जो है खाली खाली समय पे कर रहा है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी भी है और सेंसरी कंसर्न भी हो सकते हैं। खुश होने पे कर रहा है तो छोटा मोटा सेंसरी कंसर्न ही है, उसके लिए मैं कुछ ज्यादा नहीं करने वाली हूँ। अगर कहीं ऐसी जगह पे जाके कर रहा है जहां पे उसको सेंसरी ओवरलोड हो रहा है, जहां पे बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, ये हो रहा है, तो फिर इसका मतलब सेंसरी कंसर्न है, ये आपको ओटिस के साथ बैठ के कराना पड़ेगा। उसमें हैवी वर्क हम कराते हैं, ये सारी चीजें करनी होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिग मैन, My son is 6 years old. He is autistic and ADHD. His speech is delay and he is hyperactive most of the time. Looking at all these factors, which therapy or treatment could be the best for him? Is it okay to give him medicine for hyperactive at age 6? So, अब मुझे ये देखना है कि कितना level है, क्या जो है हम देखिए कौन सी therapy जो है वो अच्छी होगी। तो hyperactive अगर है तो जो है OT तो कराना ही कराना है मुझे। अब क्योंकि 6 साल का हो गया है, स्पीच भी नहीं है, तो डेफिनेटली जो है उसका एबीए जरूर होगा। क्यों? क्योंकि जो है अगर ये सारी चीजें हैं तो डेफिनेटली बिहेवियर आया ही होगा, क्योंकि ऑटिज्म के साथ, एडीएचडी के साथ 6 इयर्स पे हमें ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले जो है प्लीज जो है ओटी करवाइए, ओटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगेन स्पॉट्स भी जाना है, सबसे पहले हम हाइपर एक्टिविटी मेंटेन कर लेते हैं, तो ये ओटी और स्पॉट से ये चीजें बेहतर होंगी। फिर भी अगर नहीं हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल होती है तो प्लीज मेडिसिन दीजिए। 6 साल पे आप डेफिनेटली दे सकते हैं, क्योंकि देखिए बच्चा बैठेगा नहीं तो जो है वो हम क्या सिखा पाएंगे उसको। आपके एबीए थेरेपिस्ट भी आके बोलेंगे, आपके स्पीच थेरेपिस्ट भी आके बोलेंगे कि सर ये तो बैठ ही रहा, उसका मुंह पकड़ पकड़ के खाली ऐसे आ आ आ बुलवाने से कुछ नहीं होने वाला, बच्चा इरिटेट और हो जाएगा। So yes, it is okay to give medication for hyperactivity at the age of 6 years. अगर मेरे बच्चे में जो है टैकल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, मेरा बच्चा कुछ नहीं सीख रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, definitely we can try this. But पहले थेरेपी नहीं होता है तो फिर मेडिकेशन। ओके, सो डू वी डू ABA एंड OT alternatively day? देखिए ABA तो रोज ही होना चाहिए, ऑल्टरनेट ABA का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। OT डेफिनेटली आप ऑल्टरनेट डे, तो स्टडीज बोलती है 3 days a week OT इज ऑल्सो सफाइस, बट अगर मेरे बच्चे में सिम्टम ज्यादा है तो 5 days वुड बी अ बेटर ऑप्शन डेफिनेटली, ठीक है। सो अनुराधा धीरवन, हेलो मैम, great fan of your analysis, looking forward to visit you again. Thank you so much Anuradha, thank you so much. Apne bachcho ke liye kaam karte rahiye. Okay, next is Syed Ali. Hello, mera son bahut aggressive hai, mild autistic hai, he is hitting himself badly, upset because he hits himself. Allopathy mein medicine इजाद की था, उन्होंने मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है। ओके, लेट अस गो टू धवल।
डज एलकेएस सिंड्रोम डायग्नोसिस बाय क्रोमोसोमल माइक्रोएरे और ऑटिज्म पैनल? नो 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 नो, एलकेएस इज द डायग्नोसिस फॉर ईईजी। ईईजी से जो है मैं ये बता सकती हूँ कि जो ये लैंडाउ क्लेफनर सिंड्रोम है बाय ईईजी। और क्या अगर उसके अंदर हमें पता करना है कि इसका जेनेटिक कारण हो सकता है तो फिर डेफिनेटली जेनेटिक जाएंगे, बट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है पहले आप ईईजी कराएं। ईईजी से जो है हम एलकेएस डायग्नोस कर सकते हैं। ओके श्वेता, माय सन इज 6.7 इयर्स, हैव जस्ट स्टार्टेड विद रिजोन 2 ड्रॉप्स बट इज हाइपर एक्टिव अगेन इन आफ्टरनून। I will be given 4 drops. Can I give this drop in water? Do I give this medication in the day as well? So, Shweta, agar hyperactive hai aur aapne 4 drops kar di hain, to yes, you have to increase. Agar aapke doctor ne prescribe kiya hai, and can I give these drops in water? Yes, definitely you can give this drop in water. And can I give this medication in the day as well? So, generally, dekhiye, hum Risdone raat mein dete hain, kyunki iska side effect hota hai sedation. तो अब रात में दिया, बच्चा सो गया, सुबह जो है वो फ्रेश रहेगा। अगर दिन में रहेंगे देंगे तो कई बार उसकी थेरेपी क्लास होती है, ये होता है, तो डिपेंड करता है कितनी हाइपर एक्टिविटी है। अगर हाइपर एक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि वो थेरेपी नहीं कर पा रहा है तो मैं रिजोन दिन में भी दे सकती हूँ, बट कहीं ऐसा ना हो रिजोन दिन में देने पर वो सो जाए। अगर वो सो जाएगा तो फिर हम थेरेपी ही नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए यू नो यू हैव टू मैनेज द सिचुएशन, एनालाइज एंड मैनेज कि हमें क्या करना है। तो देते हैं हम जो है दिन में भी रिजोन देते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन कि मुझे क्या चाहिए है बच्चे से। क्या ऐसा तो नहीं मैं उसको सुला दूं तो थेरेपी नहीं हो पाएगी? सोता हुआ बच्चे, मुझे सोता हुआ बच्चा थोड़ी चाहिए है कोई। मुझे तो ऐसा वाला बच्चा चाहिए जो वेल मेंटेन्ड हो, ना ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जिसकी वजह से थेरेपी ना हो पाए, ना ज्यादा सुस्त हो जिसकी वजह से थेरेपी फिर भी ना हो पाए। मुझे तो सिखाना है बच्चे को, और मेडिसिन तो एक माध्यम है जिसके थ्रू जो है मैं बच्चे को थेरेपी करा के सिखा पाऊं जल्दी से। ओके सो त्रिनभ, माय सन इज, सो लिपिका गोस्वामी, त्रिनभ, माय सन इज 4 year 4 month ओल्ड, डॉक्टर टोल्ड डेवलपमेंटल डिले, स्पीच ओटी एंड एबी इज स्टार्टेड, ही इज हैविंग रेस्पिरिडोन, स्पीच इंप्रूव बट कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉन्टेक्चुअल टॉकिंग इज मिसिंग अ लॉट। मम्मी हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। अगर इतना सब कुछ स्टार्ट कर दिया हुआ है, इंप्रूवमेंट आप बोल रहे हो ना, स्पीच में आता है, आया है, आएगा आएगा, क्योंकि अगर डेवलपमेंटल डीले है तो डेवलपमेंटल डीले में बुद्धि की प्रॉब्लम होती है, तो ना उनको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम होती है, बट आपने इतना सब कुछ स्टार्ट कर दिया है, स्पीच भी, ओटी भी, एबीए भी, रेस्पिरेटर, आएगा आएगा, डेफिनेटली डेफिनेटली बच्चा बेहतर होगा। ओके ये है कि जो थेरेपी में होता है वो घर पे भी कराए प्लीज, है ना। सो XTRM noob, dear doctor, my 3-year-old son has behavioral issues, touch sensory issues and speech delay, currently receiving OT and speech therapy, should we begin taking medication? No, for how long have you given occupational therapy? Agar abhi abhi hi start hui hai to dawai ruk jate hain, dekhte hain ki kitne concerns theek ho rahe hain। तो कई बार ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराते कराते ही बच्चे को सेंसरी कंसर्न्स खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर मुझे नहीं पता कितने टाइम से ओटी चल रही है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर तो बहुत टाइम से ओटी चल रही है तो फिर तो जो है यस, मेडिकेशन कुड बी ट्राइड फॉर द सेंसरी कंसर्न्स, और अगर अभी अभी स्टार्ट करिए तो रुक जाइए अभी, है ना। तो अभी अभी का मतलब है 2-3 महीने, देखते हैं, नहीं होता है 3 महीने में तो डेफिनेटली डेफिनेटली जो है वो स्टार्ट करा जाता है। ओके So Rohit Prabhat Singh, hi, my kid is diagnosed with mild autism. He is 6 years old and since 2 months he is going for therapy and seen little improvement. Can you recommend again? Rohit, no medication on the social media and just with this information. No. Okay. Sushmita Sharma. Hello ma'am, I am Samvi's mother from Rohtak. Ma'am, regression autism mein bhi hota hai? Yes, hota hai. Definitely autism wale, 1/3 of the bachcho mein, autism wale bachcho mein regression bagair karan ke hota hai. Aur kuch bachcho mein LKS ki wajah se bhi regression ho sakta hai.
मैम अगर सीजर नहीं आते तो भी ये डिजीज हो सकती है। डेफिनेटली एलकेएस में कई बार सीजर जो है वो लेट आते हैं, पहले रिग्रेशन आता है, कुछ सालों तक रिग्रेशन रहता है और फिर सीजर आता है। तो अगर हमें लग रहा है कुछ रिग्रेशन हुआ है तो प्लीज एक ईजी करवाइए। ओके सो सिंपली कुकिंग, सो माई सन इज 3.5 ईयर ओल्ड। एट 2 ईयर्स ही स्टार्टेड टॉकिंग लाइक अम्मा पापा थाटा। नाउ ही इज ज्वाइनिंग 2 to 3 वर्ड्स, वेरी गुड, फॉलोइंग कमांड्स, गो टू स्कूल, बट ही इज डायग्नोज विद मोवाट विल्सन सिंड्रोम। प्लीज गाइड मी। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ मोवाट विल्सन सिंड्रोम, आई हैव टू रीड दिस कि ये क्या है। सॉरी आई डोंट नो अबाउट दिस मोवाट विल्सन। विल्सन आई नो, बट मोवाट विल्सन आई डोंट नो, आई हैव टू रीड अबाउट इट। सॉरी सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई थिंक we've done a lot. We have like talked for 35 minutes and now I'll take the questions जो है next time. But अगर हमारे बच्चे में कोई भी regression वाली history है so please make sure कि जो है हम जो है वो treatable कारण rule out करने हैं हमारे, ताकि अगर हम जो है इस lecture के through दो बच्चों की भी जिंदगी बच जाए, मतलब the purpose is really done of इतना 35 मिनट के बोलने का। सो प्लीज मेक श्योर अंडरस्टैंड योर चिल्ड्रन वेल एंड डू वेल। एवरीबडी आई एम सो हैप्पी दैट एवरीबडी इज डूइंग वेल, दे आर टेकिंग गुड केयर। सो इतना बेहतर हो रहे हैं हमारे बच्चे। सो प्लीज टेक केयर, डू वेल फॉर योर चिल्ड्रन एंड जितना हमसे बन पड़ेगा हम वो करेंगे। एंड प्लस जो है आपको करना ही है अपने बच्चों के लिए। ओके थैंक यू फॉर पेशेंट हेयरिंग, थैंक यू सो मच।